आप सुनिए, हमारी भी सुनिए। हम अपना घर छोड़ के पाकिस्तान से भारत में आए, अपनी माँ बहनों की इज्जत बता के आइए। मुझे एक सेकंड सुनिए ना, सारा हमारी भी सुनिए, इन्हें तो सुननी चाहिए, हमारी भी सुनिए, आप बहुत बोलते हैं, हमारी भी सुनिए। मुझे एक बताइए, 47 के बाद कौन सा मुसलमान पाकिस्तान में शरण लेने के लिए गया इंडिया से, एक घर बताइए। हमने अपनी माँ बहनों की इज्जत खोई है, वो अपना घर खोया, अपना ईमान धर्म खोया है, अपना धर्म बचा के इंडिया में आए, वहां अपने धर्म को बचाने के लिए आए। बोलिया, हम भारत के कर रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी ने सम्मान दिया है, आप उसका विरोध कर रहे हैं, काला दिवस मना रहे, आप लोगों को इस बात के लिए समर्थन करना चाहिए था, आप इसका विरोध करके हिंदुओं के हमारे हमारे जज्बातों के साथ जाते हो, हमारी बहन बेटों की इज्जत के साथ खेल रहे हो आप यहाँ पर, आपको इसका समर्थन करना चाहिए था। इमोशनल हो रही है वहाँ पर, हमारी बहन बेटों की कोई इज्जत नहीं है वहाँ पर, आप निश्चित कैसे विरोध कर रहे हो, कैसे काला कपड़ा पहन रहे हो वहाँ पर, आप रुकिए, जवाब देंगे हम वहाँ पर, एक सेकंड, जवाब देंगे आपको वहाँ पर, एक सेकंड, एक सेकंड, गले क्या लगाते, अरे गले लगाते तो पाकिस्तान जाइए, अरे गले लगाते तो पाकिस्तान जाइए, एक सेकंड, अगर गले लगाना है तो पाकिस्तान जाइए। आप 24 घंटे वहाँ रह नहीं सकते, हमने अपनी जिंदगी गुजारी है, अपना घर छोड़ के आए, अपना बड़ा बड़ा घर छोड़ के आए वहाँ पर, आप यहाँ पर डिमांड करते हैं, वहाँ पर खड़े होकर हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, वहाँ पर देश के मान सम्मान के खिलाफ बोलते हैं, वहाँ पर शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया, जी जी जी, हम जब आप जी 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 बैठी 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 बैठी